उम्मीदवार चंद्रा पंत ने उपचुनाव को लेकर सादगी के साथ नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद अजय टमटा और केएमवीएन अध्यक्ष केदार जोशी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत ने जीत का दावा करते हुए अपने पति के अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात कही। वहीं बीजेपी सांसद अजय टमटा ने कहा कि उपचुनाव में चंद्रा पंत के पक्ष में सहानुभूति की लहर है और पिथौरागढ़ की जनता पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताएगी। देखिए, मुझे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है या मुझ पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदारी मुझे दी है इस पिथौरागढ़ जिले के लिए, उसके लिए मैं पूरा तन मन धन से अपने इस क्षेत्र के लिए जो विकास के कार्य हैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी और प्रयासरत रहूँगी। अब चूँकि समय की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में यहाँ चुनाव निश्चित हुआ है, उनकी पत्नी को किसी प्रकार से हम सब लोगों ने बातचीत की, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बात किया और उनको मनाया गया कि भाई आप क्योंकि प्रकाश पंत जी के जो काम है, जो उनकी उनके अधूरे काम है उनको पूरा करें और उन अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन्होंने हम सब की बातों को माना है। इसलिए हम लोग पार्टी के लोग और पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रकाश पंत जी के परिवार के साथ उनकी पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन